हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु राव और आप सभी का स्वागत है हमारे रेसिपीज़ की किचन में। आज हम बनाएंगे जीरा शरबत। ये बहुत ही टेस्टी रहता है और बच्चों को या बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है और इसे अक्सर गर्मी में बनाया जाता है। पर इसे अगर आप, किसी को एसिडिटी होती है, पेट में जलन, सीने में जलन होती है, या खाना नहीं पच रहा है, या तो आपको खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, भूख नहीं लगती है, तो ये ड्रिंक आपके लिए बिल्कुल अमृत जैसी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़रूर ये रेसिपी एक बार आप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने रेसिपी की ओर। तो यहाँ हमने ली है एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच हमने लिया है ज़ीरा। तो ज़ीरे को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है, उसके बाद ही इसे यूज़ कर लेना है। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो जिस तरीके से हम जो भुना जीरा पाउडर बनाते हैं, बस इसी तरीके से इसे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ हम इसे अच्छे से, लगभग जब तक कि अच्छे से थोड़ा डार्क ब्राउन ना हो जाए, हम इसे तब तक अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इसे और एक मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ इसे मैं मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ। तो ये अच्छे से भून गया है, इसे निकाल लेंगे प्लेट में और ठंडा कर लेंगे। और दूसरी साइड में हमने रख दिया था एक गंजी में पानी रखा है। तो यहाँ मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है और उसमें डाल देंगे ये जीरा जो हमने भून के रखा हुआ है, और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। और ये जो हम जो पानी बॉईल करके रख रहे हैं जीरे का, तो ये जब जीरा अच्छे से बॉईल हो जाता है तो ये बहुत ही प्यारा कलर आता है पानी में। तो इस पानी को हम छान कर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो 1 से 2 हफ्ते तक आप इसे स्टोर करेंगे तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, को टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये बहुत ही अच्छा है पेट के लिए। तो शुरू में भी मैंने बताया है आपको कि पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसे आप गर्मी के समय इसी तरीके से बना के रख सकते हैं। तो इस पानी को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो मैं इसे अच्छे से बॉईल कर लूँगी तब तक ये कि जब तक थोड़ा सा पानी इसका घट नहीं जाता है। तो लगभग इसे 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसी तरीके से बॉईल कर लेना है। तो ये बहुत अच्छा कलर आ गया है इसमें। अब बस हम इसे थोड़ा सा और बॉईल होने देते हैं और इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, इसे पानी को ठंडा कर देते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 गिलास और इसमें डाल देंगे बर्फ़ के टुकड़े। तो आपको जितने भी क्वांटिटी में ठंडा अच्छा लगता है, बस आप उस तरीके से आप इसमें थोड़ा बर्फ़ ले लेना है। आप क्रश की भी बर्फ़ ले सकते हैं यहाँ। तो मैंने यहाँ 3 क्यूब्स डाल दिए हैं और आप इसमें डाल देंगे हम जीरा पानी। आप अगर छना हुआ जीरा पानी यूज़ करना चाहते हैं तो छना हुआ कर सकते हैं, या तो फिर पिसा हुआ अगर जीरा पानी यूज़ करना चाहते हैं तो पिसा हुआ भी जीरा पानी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसमें जीरा पानी डाल दिया है और अब इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो यहाँ मैंने लगभग आधा चम्मच के करीब मैंने दिया है नींबू का रस। आप इसकी भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे शक्कर का पाउडर, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच के करीब शुगर पाउडर। और अब इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ मैंने लिया है रेगुलर नमक और काला नमक। तो ये भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है हमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हमारा बिल्कुल बन के रेडी है जीरा पानी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।